आप सभी को आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही ये तस्वीर तो याद है ना। ये तस्वीर है भोजपुरी के इस साल की सबसे ज्यादा चर्चित फिल्म हर हर गंगे की शूटिंग के वक्त की, जब बनारस में पवन सिंह की इसी फिल्म का स्टार कास्ट का डेरा लगा हुआ था। उस वक्त जब भोजपुरी की नामी चर्चित सिंगर स्नेहा उपाध्याय फिल्म के सेट पर पहुंची थी तो सभी जगह इस बात के चर्चे होने शुरू हो गए थे, बुलबुले उठने शुरू हो गए थे कि शायद स्नेहा उपाध्याय और पवन सिंह साथ में कोई एल्बम तो जरूर करने वाले हैं, जिसके चलते ही सिंगर का पवन सिंह से यूं मिलना हुआ है। दोनों का साथ में आने वाला सागा हर हर गंगे फिल्म में होगा या फिर अलग से, हर पवन सिंह का फैन ये जानने को बेताब उस वक्त नजर आ रहा था। ऐसे में हाल ही में एक इंटरव्यू में स्नेहा ने इस मुलाकात की असल सच्चाई बताने के साथ साथ इस बात का भी खुलासा किया है कि आखिर उनका और पवन सिंह का साथ में डुएट धासू एल्बम कब और किस दिन आने वाला है। नहीं, फिलहाल में अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, हम साथ में कुछ नहीं कर रहे। आपके साथ साथ यही सवाल बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज करके भी पूछा कि क्या मैं पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ कोई किसी तरह के एल्बम का विस्फोट करने वाली हूँ। लेकिन बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं था। हुआ ये था कि मेरा शूट भी वही बनारस में आसपास था, तो जब मुझे पता चला कि पवन सिंह भी यही शूटिंग कर रहे हैं तो मैंने भी शूटिंग से वक्त निकाल कर सोचा कि क्यों ना उनसे मिल लिया जाए, बातचीत की जाए। बस मैं सिर्फ उनसे एक मीटिंग करने ही गई थी, बाकी अभी साथ में आ रहे हम ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि उन्होंने बात किया है कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में मुझसे, कहा भी है कि जल्द साथ में करते हैं प्लान, कुछ साथ में गाते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वो इस समय काफी व्यस्त है, बिजी है, तो कुछ भी फाइनल नहीं है, इसलिए जब तक चीजें आ नहीं जाती, पूरी हो नहीं जाती, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, ना ही कहना चाहूंगी। तो वो फिलहाल एक नॉर्मल मीटिंग थी। स्नेहा ने यह भी बताया कि उनका पवन सिंह से उस दिन मिलना काफी अच्छा अनुभव रहा है उनके लिए। वो हमेशा की तरह उनसे बड़े ही प्यार से मिले, प्यार से बात की, उनका सम्मान किया और उनसे मिलकर उन्हें काफी मजा भी आया। हाँ जी, जानते हैं सिंगर के बाद सुनकर तमाम फैंस को निराशा जरूर हुई होगी, खासकर उन्हें जो इन दोनों को साथ में देखने की उम्मीद तब से ही बांधे बैठे हुए थे जब से इनकी फोटो साथ में वायरल हुई थी। खैर, हम उन निराश हो रहे फैंस से यही कहेंगे कि आप परेशान न होइए, क्योंकि आपके पावर स्टार पवन सिंह कब धमाका कर देते हैं आपको भी पता है ना। और अगर उन्होंने स्नेहा से प्रोजेक्ट्स का डिस्कस किया है, बातचीत की है, तो जरूर उनके दिमाग में कुछ तिगड़म तो चल ही रही होगी। और क्या पता कि अपने सभी तमाम एल्बम्स के बाद वो इसी को पूरा करते हुए भी नजर आए। फिलहाल इस खुलासे के बारे में आप अगर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ ओपिनियन रखना चाहते हैं, राय रखना चाहते हैं, तो बेझिझक अपनी बात रखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। पूर्वांचल लाइव की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइव के साथ।